हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होने वाली भर्तियों के बारे में। तो जैसा कि आचार संहिता से पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हिमाचल में 1450 आपको हेल्थ सेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल में आचार संहिता लग जाती है, फिर कुछ दिनों के लिए आचार संहिता हटती है और दोबारा से इस टाइम पे आपको पता है कि हिमाचल में आचार संहिता लगी हुई है। तो इस दौरान नई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। और लगातार अलग अलग आरटीआई के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था जहाँ पे फार्मासिस्ट की होगी, सीएचओ की होगी, स्टाफ नर्स की होगी, जहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट का कहना था कि जो वैकेंसी है वो फॉरवर्ड कर दी गई है जो कंसर्न्ड रिक्रूटिंग एजेंसी है। और ये वैकेंसी जो है वो टोटल 1450 हैं और 20 दिसंबर 2023 को ये वैकेंसी कैबिनेट ने अप्रूव करी थी। आउटसोर्स बेसिस पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और इस बार जो भर्ती है वो आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत देखने को मिलेगी। वही इसकी जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कम्प्लीट करवाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो सारा जो ये प्रोसेस है ये मतलब अभी आचार संहिता जो हिमाचल में लगी है अभी तो आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी तो हो सकता है कि उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए। करंटली जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में बात हुई तो उनका कहना है कि अंडर प्रोसेस है और आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये वैकेंसी का उनका कहना है कि आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी। और क्या क्या यहाँ पे पूरा प्रोसीजर रहता है वो तो मैं उस टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कितना टाइम यहाँ पे दिया जाता है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से लिंक क्रिएट किया जाता है, तो ये सारा प्रोसीजर बाद में है। लेकिन करंटली यही अपडेट है कि वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आपको इन वैकेंसी के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये कोई राज्य चयन आयोग के माध्यम से या पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से भर्ती नहीं होगी। इसमें ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा 622 पोस्टें आपको स्टाफ नर्स की देखने को मिलेंगी, ओटीए की है, सीएचओ की एक बार दोबारा से आपको भर्ती देखने को मिलेगी, फार्मासिस्ट की है और काउंसलर की है। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरी लिस्ट है और ये कैटेगरी ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि इनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है तो सीएचओ की हो गया, फार्मासिस्ट की हो गया, ओटीए की हो गया, स्टाफ नर्स की हो गया, ये तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है जिन्होंने इनके रिगार्डिंग जो वो डिग्री या डिप्लोमा करके रखे हैं। बाकी जो अदर पोस्ट हैं इनके बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इसमें ऐसा है कि ये सारी भर्तियाँ आपको 2017, 2019 और 2021 हिमाचल में ये पहले भी वैकेंसी निकली हुई है और इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको गूगल पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आप सर्च करोगे तो क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे पूरी है। अगर किसी को वो पीडीएफ चाहिए होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ये जो आप कैटेगरी ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख रहे हो ये सारी पहले ही मतलब पहले भी इनकी रिक्रूटमेंट हुई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हिमाचल में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये भर्ती हो रही है। तो वहाँ से क्वालिफ़िकेशन भी आप देख सकते हो, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होगी। बाकी किसी को और कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा। तो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बता दी कि ये भर्ती जो अब अंडर प्रोसेस है और इसके लिए आपको दूसरी रेगुलर पोस्ट की तरह ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, जल्दी ही आपको हिमाचल में ये भर्ती देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।